नमस्ते भाइयों, मैं ब्रह्मदत्त लीगल हेल्प सॉल्यूशन एसोसिएट से आप सभी के सामने फिर से, और बहुत सपोर्ट मिला आप लोगों से, बहुत हिम्मत मिली, आप लोगों ने तिनका तिनका जोड़कर मेरी मदद की और मैं आज आप लोगों के लिए इतना सक्षम हूँ कि आज आप लोगों के लिए हम इस मुहिम को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में किन किन कंडीशनों पर महिलाओं को तलाक दायर करने का पात्र बनाया गया है। हिंदू मैरिज एक्ट है ना, ये पूरी की तरह पुरुषों के साथ में भेदभाव करती है, और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में ना पुरुषों को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो तलाक की अर्जी दाखिल कर सके। अगर पुरुष तलाक की अर्जी अगर क्रल्टी के आधार पर अगर देता है, अगर क्रल्टी के आधार पर अगर दायर करता है तो उसको क्रल्टी साबित करनी पड़ेगी। आपने देखा है कि फैमिली कोर्ट एक्ट का जो रवैया रहता है, फैमिली कोर्ट में जो रवैया रहता है पुरुषों की तरफ बिल्कुल वरिष्ठ रहता है, और आप अगर क्रल्टी के आधार पर भी अगर आप तलाक ले लिए तो भी आपको नुकसान होने की पूरी संभावना रहती है। दूसरा कंडीशन ये रहता है कि सहमति से तलाक, कॉम्प्रोमाइजिंग पोजिशन में, कि दोनों आम सहमति से अपना एफिडेविट दाखिल करें, दोनों लोग अपना परिवार दाखिल करें कि हमें तलाक की अर्जी, उसमें भी दोनों की सहमति होनी जरूरी। लेकिन सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत में ना, सेक्शन 13 के तहत में कुछ ऐसी बाध्यताएं दी हैं कि पत्नी जब चाहे अपने पति से तलाक ले सकती है, और उसके लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 के तहत में चार बातें कही गई हैं जिसके आधार पर पत्नी आसानी से अपने पति से तलाक ले सकती है। तो वो उन्हीं सब बातों के बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। इसलिए हम अपनी बात शुरू करने से पहले आप लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जो वीडियो हमारा अंत तक देखें, ताकि कि आपको पता चले कि आप किस तरीके से अपने आप को सेफ कर सकते हैं और आपकी जो पत्नी है वो आपसे किन किन आधारों के बेस पर तलाक आसानी से ले सकती है। तो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 ये कहता है कि यदि किसी महिला के पति ने यदि दूसरी शादी कर ली है और वो प्रमाणित है तो वो तलाक की अर्जी दाखिल कर सकती है, बशर्ते तब जब उसकी दूसरी पत्नी जीवित हो। मतलब अगर जैसे किसी पुरुष ने अगर अपनी दूसरी शादी कर ली और पहली पत्नी से तलाक नहीं लिया है तो वो पत्नी अपने पति के खिलाफ में तलाक की अर्जी दाखिल कर सकती है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो दूसरी पत्नी है ना वो जीवित होनी चाहिए, तभी वो अर्जी दाखिल कर सकती है। दूसरी कंडीशन ये जाती है हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 क्लॉज 2 के तहत में, उसमें ये आ जाती है कि किसी भी महिला का पति रेप के केस में या पशुगमन या बोल सकते हैं कि गुदा में थून या बलात्कार किसी में दोषसिद्ध साबित हुआ हो, अगर किसी भी इस तरीके के जो संगीन अपराध हैं जैसे कि रेप हो गया, अननेचुरल सेक्स हो गया, पशुओं के साथ कोई क्रल्टी है, उसमें अगर वो दोष सिद्ध साबित होता है तो पत्नी अपने पति के खिलाफ में आसानी से तलाक ले सकती है। तीसरी चीज़ ये आ जाती है इसमें कि अगर पत्नी पति से दूर रह रही है, पत्नी अगर अपनी पति से दूर रह रही है और हिंदू दत्तक पुत्र अधिनियम के तहत में सेक्शन 18 के तहत में अगर वो दूर रह के अगर भरण पोषण मांग रही है सीआरपीसी 125 के तहत में अपने पति के विरुद्ध, और पति
जारता में है या क्रल्टी में है, या उसके साथ में कोई ऐसा कृत्य करता है जो कानूनी दायरे में नहीं आता है, तो वो अपने पति के खिलाफ में तलाक की अर्जी दाखिल कर सकती है, आसानी से तलाक ले सकती है। चौथा ये है कि किसी भी महिला का पति अगर किसी 18 साल की कम उम्र की महिला के साथ शादी करता है, मतलब पहली शादी, तो महिला 18 साल की एज तक अपनी शादी को रद्द करवाने के लिए तलाक की अर्जी फाइल कर सकती है। और बाकी चीज़ें विश्लेषण में हैं, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13A, क्रल्टी के आधार पर भी तलाक हो सकता है, उसमें पति पत्नी दोनों में से कोई एक डाल सकता है। दूसरा है कि कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन के दोनों लोगों की सहमति से डाल सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं पे भी पतियों को रियायत ये नहीं दी गई है कि वो तलाक की अर्जी दाखिल कर सके। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया आपको कि CRPC 125 दंड प्रक्रिया संहिता 125 के तहत में पत्नी को परिभाषित किया गया है, और उसमें कहा गया है कि तलाक लेने के बाद भी जब तक वो महिला दूसरी शादी नहीं कर लेती है, तब तक वो अपनी पत्नी होने का अधिकार रखती है, वो आपसे भरण पोषण की मांग कर सकती है। तो फिर यहाँ पे तलाक का मतलब क्या हुआ? तो इस संबंध में हम एक अपना वीडियो बना चुके हैं, भाई अगर आपकी आपका अगर तलाक हो गया है, आपकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली और आपको पता भी नहीं है, तो आपका तलाक हो गया, वहाँ फ्री हुए, आप 10 साल फिर ये ढूंढते रहिए कि उसने शादी करी है या नहीं करी है। और सपोज आपने तलाक के बाद आपने शादी कर ली और आपकी पत्नी ने मेंटेनेंस डाल दिया कि नहीं साहब मैंने तो शादी नहीं की, वो शादी करके ऑलरेडी बैठी हुई है और वो शो नहीं कर रही है और आपके ऊपर मेंटेनेंस डाल दिया, तो आप कौन सी पत्नी को मेंटेनेंस देंगे? हो सकता है आपकी दूसरी वाली जो वाइफ है तलाक के बाद, हो सकता है वो कहे कि नहीं साहब जब वो इतनी दूर रह के जब मेंटेनेंस मांग रही है, तलाक होने के बावजूद भी मेंटेनेंस मांग रही है, तो मैं तो उनका सारा काम कर रही हूँ, मैं मेंटेनेंस क्यों ना मांगूँ? तो ऐसी स्थिति में, इसलिए मेरा कहने का मतलब है जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो पुरुषों के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ है, इसमें इस जंजाल से पुरुष नहीं निकल सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप थोड़ी छोटी चीज़ों को समझें और हम अपने वीडियो के मार्फत मास मैसेज में आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे हर वीडियो पर नज़र रखिए और हमारा वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि पता नहीं ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको आपके परिवार को बचा सकती है। मैं जो भी बात करता हूँ प्रैक्टिकल बेस पे करता हूँ, जो मैंने अभी तक देखा। धन्यवाद।